गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम एसे राइटिंग कर रहे थे, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया है कि एसे हम कैसे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एसे अ रेनी डे, यानी बारिश के दिन। रेन इज अ ग्रेट ब्लेसिंग आफ्टर द समर हीट इन इंडिया। द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द समर मंथ्स ऑफ द मई एंड जून कॉजेस ग्रेट सफरिंग टू एनिमल एंड प्लांट लाइफ अलाइक। The earth gets parched and cracked at places. Hot winds blow. Animals wander in search of drinking water and no birds sing. Then follow the welcome rains in July and all breathe a sigh of relief. तो देखो, बारिश जो है वो गर्मियों के बाद एक दुआ की तरह होती है, एक blessing की तरह, बहुत बड़ी blessing की तरह होती है, बहुत बड़ी दुआ की तरह होती है वो भारत में, इन इंडिया। स्क्रॉचिंग हीट, एकदम झुलसा देने वाली गर्मी होती है, और समर मंथ्स में, गर्मियों के दिन में, जैसे कि मई में, जून में, ये इतने हॉट मंथ्स होते हैं कि इसमें एनिमल्स और प्लांट लाइफ बिल्कुल क्या हो जाती है, सफ़र कर रही होती है। एनिमल्स को पानी नहीं मिलता गर्मी की वजह से, वो बेहाल हो जाते हैं, बहुत एनिमल्स मरते भी हैं, प्लांट भी बहुत सारे सूख जाते हैं अगर उन्हें पानी ना मिले तो। और जो अर्थ है वो पास डेंट क्रैक्ड, और जो अर्थ है वो सूख जाती है, और जगह जगह से आपने देखे होंगे कि क्रैक भी होने लग जाता है। गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, एनिमल्स इधर से उधर पानी की सर्च में, पानी को ढूंढने के लिए घूमते हैं, कोई भी बर्ड, कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा होता है गर्मियों के दिनों में। एंड देन फॉलो, उसके बाद क्या आती है, बारिश आती है जुलाई के महीने में, और तब जाके सारे पशु पक्षी क्या लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं। इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, ये कौन सा महीना है, जुलाई का। एज आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई फाउंड दैट अ प्लेजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द स्काई। और जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठी, कुछ भी बोल सकते हो, जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठा तो मैंने क्या देखा, मैंने चैन की सांस ली, मुझे एक प्लीजेंट ब्रीज मिली, खुशबू मिली जो कि, और मैंने क्या देखा कि वो जो खुशबू है वो हवा के साथ बह रही है, और जो बादल हैं वो एक साथ जमा है आसमान में। सून देयर वॉज लाइटनिंग एंड थंडर, और जल्दी ही बिजली कड़कने वाली है और थंडरिंग होने वाली है, लाइट मतलब बिजली कड़कने वाली है। आई हैड टू रीच द स्कूल एट 10 फॉर द फर्स्ट पीरियड, मुझे 10 बजे तक स्कूल पहुंचना होगा अपने पहले पीरियड के लिए। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 9:45 देयर वॉज नो रेन, जब मैं अपने घर से निकला था, जब क्या था 15 मिनट बचे हुए थे 10 बजने में, तब यानी 9:45 के टाइम पे जब वो निकला तो कोई बारिश नहीं हो रही थी। स्टिल एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आई टुक माई रेनकोट विथ मी, बट खुद को सुरक्षित, मतलब एक होता है ना कि हाँ पता है कि बारिश के दिन है तो हमें साथ में क्या लेना चाहिए, रेनकोट या अम्ब्रेला, तो वही प्रिकॉशन लेते हुए यानी अपनी सुरक्षा करते हुए उसने क्या किया कि बाद में उसे परेशानी ना हो, उसने अपने साथ अपना रेनकोट ले लिया। आई हैड हार्डली बीन ऑन द रोड फॉर 5 minutes when raindrops began to fall, I hurried along. Soon it began to rain it heavenly. उसके बाद क्या हुआ, रोड पे निकले हुए सिर्फ उसे 5 ही मिनट हुए थे कि बारिश की बूंदें गिरने लगी, और वो जल्दी में जाने लगा क्योंकि हो सकता है कि आगे और भारी बारिश हो, इसलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।